स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं रितांभरा आपके साथ। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सुफैल कादरी मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान जमाल सिद्दीकी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में मुस्लिम युवाओं में ममता बनर्जी के खिलाफ काफी नाराजगी है। वहीं इस मौके पर उन्होंने AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद करवाने का आरोप लगाया। ये तो लगता है कि ओवैसी एक बहुत बड़े वोटों के सौदागर है, वो मुसलमानों को गुमराह करते हैं और उनका इस्तेमाल अपने ताकत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अपनी एक शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश को जिस प्रकार से जिन्ना ने बांटा था आज़ादी के वक्त, नहीं तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता और मुसलमानों की परिस्थिति कुछ और होती। जिस प्रकार से आज़ादी के बाद जिन्ना ने अपने कुर्सी के लालच में देश को बांटा था, उसी प्रकार आज की राजनीति में ओवैसी जी भी मुसलमान और हिंदू को बांटने का काम कर रहे हैं। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।